हेलो दोस्तों, मैं हूं शशांक और आज आपके लिए लाया हूं टॉपिक वाइज करंट अफेयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टॉपिक है हमारा आज का जीआई टैग। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट हमारे जीआई टैग है उसको देखेंगे और उसको याद करेंगे ट्रिक से। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, पूरा देखिएगा और आपको बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम लोग देखेंगे जीआई टैग हल्दी। ठीक है, तो हल्दी में देखेंगे कंदमाल हल्दी है जो कि है उड़ीसा की, फिर है इरोड हल्दी है जो कि है तमिलनाडु में, और फिर इसके बाद है सांगली हल्दी, ठीक, जो कि है महाराष्ट्र में। तो ये तीन हल्दी जो जिनको जीआई टैग मिला है वो हो गए। अब देखिए इनको याद कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसको देखते हैं सेकेंड और थर्ड को। तो इरोड, रोड, रोड में मिलना, ये हो गई ट्रिक। ठीक है, तो रोड से ये हो गया रोड और ये मिलना हो गया। तो याद रखिएगा इरोड हल्दी किसकी है, तमिलनाडु की है। फिर इसके बाद है सांगली, सांगली हल्दी जो कि है महाराष्ट्र में, इसका हो जाएगा सहारा, सहारा सा से हो गया स और ये सांगली, और हारा, हारा से हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ये हो गया जीआई टैग हल्दी के लिए। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉफ़ी का। कॉफ़ी में पांच स्टेट्स को दिया, मतलब पांच प्रकार की कॉफ़ी को दिया गया है, तो जिसमें से तीन हो जाएंगी कर्नाटक की, एक है केरल की, एक है आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक में जो तीन दिए गए हैं, तो सबसे पहला है कुर्ग अरेबिका, फिर है चिकमगलूर और बाबू बूदन गिरी अरेबिका। ठीक, अगर इसको आप भूल जाए तो इसके लिए एक ट्रिक है, जो ट्रिक हो जाएगी चीकू बाबू। तो आप याद रखिएगा ये ट्रिक है चीकू बाबू। ठीक, तो ची से हो जाएगा, ये हो गया ची, चिकमगलूर, और कू से हो जाएगा कुर्ग। ठीक है, कू से हो गया कुर्ग और बाबू से हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो बाबू बूतन गिरी अरेबिका। तो अब देखिए याद करेंगे कर्नाटक के लिए चीकू बाबू। ठीक, तो कुर्ग अरेबिका हो जाएगा, चिकमगलूर हो जाएगा, बाबू बूतन बूदन गिरी अरेबिका हो गया। ठीक, फिर इसके बाद है केरल, केरल के लिए हो जाएगा वायनाड अरेबिका, और फिर इसके बाद है आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा के लिए, ओडिशा का जो है वो है अराकू वैली अरेबिका। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए आ है सब में, ये देखिए आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में और अराकू वैली। तो आपको ये हिंट मिल जाएगा कि अगर अराकू वैली क्वेश्चन आता है तो वो किसका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, अगर नहीं आता है आंध्र प्रदेश तो फिर किसका हो जाएगा, ओडिशा का। ठीक, तो ये हो गया हमारा कॉफी से रिलेटेड जो जीआई टैग दिए गए हैं वो। फिर है चावल, देखिए चावल से चार स्टेट्स को दिए गए हैं और चार प्रकार के चावल हो गए, तो याद रखिएगा चार है। तो अब देखिए सबसे पहला हो जाएगा काले चावल। ठीक है, काले चावल, काले चावल दिए गए हैं मणिपुर को। ठीक, अब इसको देखिए याद कैसे करेंगे, तो एक ट्रिक सिंपल सी है इसको, या तो ये भी बोल सकते हैं काली मड़ी या काली मड़ी, कुछ भी कर लीजिए वैसे याद रहेगा, काली और मड़ी हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक हो जाएगी काली मड़ी। फिर इसके बाद है जीरा फूल चावल, ठीक है, जो कि दिया गया है छत्तीसगढ़ में, और इसके लिए अगर याद करना है तो फूल और तीस, तो याद रखिएगा तीस फूल, तीस फूल। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के चावल को क्या दिया गया है जीआई टैग, उसका नाम क्या है, जीरा फूल चावल। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक हो जाएगी थर्टी फूल, तीस फूल। फिर इसके बाद है कतरनी, कतरनी से हो जाएगा बिहार, बिहार को, बिहार के चावल को दिया गया है, और फिर हो जाएगा बोकासुल चावल जो कि दिया गया है असम को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कतरनी किस स्टेट्स को दिया गया है, बिहार को, और बोकासुल लोग जाएगा असम को। ठीक, तो ये हो गया हमारे चावल से जीआई टैग और किस किस कौन कौन से स्टेट्स के हैं वो। अब देखिए नेक्स्ट है साड़ी। ठीक है, तो साड़ी से याद रखिएगा
कि अगर साड़ी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर तमिलनाडु हो जाए, क्योंकि साड़ी में जो जीआई टैग दिया गया है वो खाली दो साड़ी को दिया गया है जो कि है तमिलनाडु की। तो पहली हो जाएगी कंद कंद दागी और फिर दूसरी हो जाएगी तिरुभवनम सिल्क साड़ी, ठीक है। तो दोनों यहाँ कहाँ की हैं, तमिलनाडु की है। फिर इसके बाद है हल्दी से रिलेटेड, तो हल्दी से रिलेटेड जो जीआई टैग मिले हैं वो तीन को मिले हैं। तो पहली हो जाएगी कंधमाल हल्दी जो कि है उड़ीसा की, फिर है इरोल्ड हल्दी जो कि है तमिलनाडु, फिर है सांगली महाराष्ट्र, ठीक है। तो तीन हल्दी के नाम हो गए, कंधमाल, इरोल्ड और सांगली। याद रखिएगा कंधमाल इरोल्ड और सांगली जो कि मिला है ओडिशा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साड़ी और हल्दी से रिलेटेड। तो साड़ी का आप याद रखिएगा कीवर्ड, अगर साड़ी से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक। अब देखिए अगर कोई भी सॉल वर्ड आए तो उसका आंसर सीधे लगा दीजिएगा मिजोरम, क्योंकि मिजोरम से ही सारे सॉल हैं। तो पहला हो जाएगा तवलोह पुआन, फिर दूसरा है नगोतेर वे, और फिर है मिजो, और फिर मिजो पुआन चेई, और फिर है लास्ट में है पांडुम, ठीक है। तो याद रखिएगा, नाम पता नहीं कैसे कैसे लिखा हुआ है ये, फिर याद खाली यही रखना है सॉल्स अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, क्योंकि चार जो मिले हैं जीआई टैग वो पूरे पूरे मिजोरम के ही हैं सॉल के, ठीक। अब देखिए कुछ और जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले टेराकोटा जो कि है गोरखपुर, ठीक है। फिर इसके बाद चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा यूपी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेराकोटा जो कि है गोरखपुर, और चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश, ठीक। फिर इसके बाद है खेज मिठाई, याद रखिएगा खेज मिठाई और हरमल मिर्च जो कि है कहाँ का, गोवा का, ठीक है। फिर इसके बाद है अल्फ्रांसो आम और जरदालू आम, ये दोनों आम हैं तो याद रखिएगा अल्फ्रांसो जो है महाराष्ट्र का है और जो जरदालू आम है वो बिहार का है, ठीक है। तो आम का डिफरेंस याद रखिएगा, अल्फ्रांसो महाराष्ट्र और जरदालू बिहार, ठीक। तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट से जीआई टैग जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिए। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।